Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. And today in this video, hum jo kal paper hua tha 30th ko economics ka paper 2, we are going to learn what are the takings from that and we are going to decide ki hamara paper kaisa hua hai. And if you are planning to take the next exam for UGC NET, this video is going to help you to understand ki is exam se hame kya samajhna chahiye and how to go about it with our preparation. So let's start. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. I am also going to cover little bit of your concepts part also every day so that you would understand your conceptual part more easily. And this series will help you if you are a beginner with microeconomics or macroeconomics, or you have some specific doubts related to economics and you are not able to find any resource for that. So I have very interesting concept for you there. So let's start with our microeconomics part. So जो भी मुझे बच्चों ने बताया है after the exam, the students were telling me that the exam pattern was like that. So I have concluded all those part in this particular video. So जो level बता रहे हैं बच्चे मुझे, they are saying that it was moderate to difficult, and some people actually told me that it was moderate. I think this kind of a difference in opinion was because the paper was very very conceptual. मैं आपको ये बात पहले ही बता देती हूँ, this particular paper was extremely conceptual. इतना concepts पे ध्यान दिया गया था. And if you were trying to solve this paper from your past year paper, just by doing a lot of past year papers like 10 years or something like that, आप इस paper को solve नहीं कर पाएंगे, because when you are solving the past year paper, you are just concentrating कि ये वाला question आया था, मैं इस question को solve कर जाता हूँ, या फिर ये इस type के question ज़्यादा repeat हो रहे हैं. So I will tell you here कि जो UGC NET का paper है उसके अंदर एक ही पैटर्न है, दैट देयर इज नो पैटर्न. सो चेंज हमेशा होता है, हमेशा ही सरप्राइजिंग लगता है कि पास्ट ईयर से थोड़ा डिफरेंट आता है. सो दिस इज द पैटर्न दैट यूजीसी हैव बीन फॉलोइंग, कि थोड़ा सरप्राइज फैक्टर रहता है हर एग्जाम में, कि पिछले अगर आप सिर्फ पास्ट ईयर्स लगा के जा रहे हो तो आप इस वाले एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग कि मैं इस चीज को याद कर लेता हूँ. लेकिन मैंने अपनी हर वीडियो में आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट किया है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ. वी जस्ट नॉट सॉल्व दैट वन पर्टिकुलर एमसीक्यू, हम उसके आगे पीछे के जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जितनी नॉलेज होगी, अगर आपको कुछ मिस भी हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, इट विल हेल्प यू इन योर गेस वर्क टू. तो आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है. एंड ऑफकोर्स आफ्टर दिस पार्ट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप एक इकोनॉमिस्ट बनने जा रहे हैं, आप रिसर्च वर्क करेंगे और यू वुड बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको ये देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर हो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो आई टेल यू व्हाट वर द टॉपिक्स कवर हेयर. सो आपका एमआरपीटी का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे कवर हुआ हुआ था. प्राइस लीडरशिप जो मॉडल होता है दैट वॉज कवर्ड. सो यू कुड सी कि बहुत सारा ओलिगोपॉली पे भी आपको पढ़ना चाहिए हमेशा ही. नेक्स्ट इज योर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी पे एक क्वेश्चन था ऑन योर गेम थ्योरी. सो गेम थ्योरी इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो व्हेन यू सी दिस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, डू नॉट गो अबाउट कि गेम थ्योरी से ये डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आया हुआ, नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं ये एक अकेला पढ़ जाता हूँ. दिस इज जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. आप हमेशा ऐसे तैयारी करके जाते हैं कि पिछले एग्जाम के लिए तैयारी करके चले जाते हैं सारी, आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है. तो आपको अगर ये पता चल गया कि गेम थ्योरी में से क्वेश्चन आ रहा है, सो व्हाट यू विल डू फॉर नेक्स्ट टाइम, यू विल एक्चुअली लर्न गेम थ्योरी द होल थ्योरी. यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट, जैसे अगर यहाँ पे प्राइस लीडरशिप का यहाँ पे इस बार क्वेश्चन आया था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे. कॉर्नॉट, बर्था, सारी अपनी गेम्स हैं, जितनी आपकी गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग. इफ यू रिवाइज एवरीथिंग देर इज नो डाउन साइड फॉर देम. और अगर आपको जे आर एफ क्रैक करना है, सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल.
आप कुछ पार्ट अगर छोड़ के जा रहे हैं दैट इज ओके, बट द पार्ट दैट यू आर कवरिंग उसकी आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट इन टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे क्वेश्चन था ये, जिसके अंदर आंसर था ये इसका, जो मुझे एक बच्चे ने बताया कि ये जो कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा था उसके अंदर. तो क्वेश्चन था कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीज कर जाती है तो आपका डिमांड कर्व है जो लेबर का वो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहे थे मुझे. तो उसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा था वो, एंड योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वॉज फॉलिंग इन दैट, सो योर वेजेस वर नॉट फॉलिंग, एक्चुअली योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वॉज फॉलिंग. दिस इज अगेन योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको ये पता होगा देन ओनली यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वॉज योर मॉरल हैजार्ड पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. सो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ मॉरल हैजार्ड नहीं करके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट टाइम टू एनालाइज व्हाट दे शुड रीड. सो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए. मैंने कभी भी आपको ऐसी कोई बुक नहीं रेफर करी है अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में भी, जिसके अंदर वो एक कंपाइल्ड आपको एक मिल जाती है बुक्स जो मार्केट में अलग अलग पब्लिशर्स हैं उसके. मैंने कभी वो ऐसी बुक्स आपको रेफर नहीं कर बोली रेफर करने के लिए, बिकॉज दोज बुक्स आर रिडंडेंट व्हेन द एग्जाम इज सो कंसेप्चुअल. 5 years back, maybe those books were very important, but अब conceptual हो गया paper, so you need to get a quality product. तो मैंने हमेशा आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप या तो सिस्टर हैमंड रेफर कीजिए, सॉरी निकलसन स्नाइडर रेफर कीजिए, या फिर आप अपने हेल्वेरियन रेफर कीजिए, या फिर यू कुड ऑल्सो गो फॉर एच एल हूजा. ऑल्दो इट इज अ बल्की बुक बट यू वुडंट मिस एनी कंसेप्ट. सिस्टर हैमंड इज फॉर योर MME टॉपिक, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इज योर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. सो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पे भी क्वेश्चन था, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो डिमांड जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज हाईली कॉन्सेप्चुअल, इसलिए बहुत लोगों को ईजी भी लगा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिनके कॉन्सेप्ट जिनके बेसिक्स क्लियर हैं. और आप कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा जो कि सिर्फ पास्ट ईयर्स के पेपर्स लगा के चले गए होंगे, और उनको लगा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा एंड दे वुड बी एबल टू गेस द राइट आंसर. सो मैंने अपने कोर्स में भी इसी बात का ध्यान रखा है कि इवन इफ यू आर अ बिगनर और इफ यू आर अ पर्सन हु हैव बीन रीडिंग इकोनॉमिक्स थ्रू आउट हिज ग्रेजुएशन एंड हिज मास्टर, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हों. कई बार क्लासरूम क्लासेस में भी आपको जो कॉलेजेस में क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज में आपकी क्लासेस होती हैं, बहुत बेसिक डाउट्स आपके कवर अप नहीं हो पाते हैं. मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छी फाउंडेशन भी मेंटेन करके रखी है कि आपको एक बहुत अच्छी आपकी ग्रास रूट लेवल पे आपकी एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फॉर योर इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स का नॉर्मल गुड का ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार अपने MCQ वाले क्वेश्चन में करवाए. इनफैक्ट ये सारे जो भी हैं मैंने आपको अपने वीडियोस में ये पार्ट आपका कवर किया है, और उस टाइम पे भी मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया था. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू टेल यू, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बता रहे थे बच्चे मुझे वो मॉडरेट बता रहे थे. सो इट वॉज मोर ऑफ अ ईजी टू मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर. सो आपका एक क्वेश्चन था कि ISLM क्या रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल द ऑप्शंस वर लाइक कि वो प्रोडक्ट मार्केट आपका इक्विलिब्रियम करता है, मनी मार्केट. सो यू नीड टू नो दैट इट रिप्रेजेंट बोथ योर प्रोडक्ट मार्केट, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड योर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, बोथ ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज देर वॉज वन क्वेश्चन ऑन कंजम्पशन थ्योरी, रिलेटिव थ्योरी एंड परमानेंट इनकम थ्योरी. ये तो हमने काफी बार अपनी डिटेल अपनी जो MCQ कि हम वीडियोस लेते हैं उसके अंदर काफी बार इन डेप्थ जाके हमने ये सारी थ्योरीज वहां पे कवर की थी. वहां पे भी मैंने कोई आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ले जाके सिर्फ उसका आंसर नहीं डिस्कस किया था, हमने सारी की सारी कंजम्पशन थ्योरीज जो है वहां पे डिस्कस की थी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज द वेरी थिंग दैट आई एम टेलिंग यू हेयर दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. देयर वॉज वन क्वेश्चन ऑन साइनरेज. तो इस पर्टिकुलर
क्वेश्चन में भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था सो यू वर एबल टू टेल कि जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट गेन करती है बाय प्रिंटिंग द मनी वो आपका सैलरीज होता है. नेक्स्ट वाज देयर वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर. सो ऑप्शंस थे एंड यू हैड टू टेक मार्क कि आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है. तो अगर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर आ गया है इस बार तो यही रट के नहीं जाना है हमें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम कि आप पूरा का पूरा जो आपका डेरिवेशन होता है फ्रॉम योर सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट. तो आपको किसी भी फैक्टर पे भी आ सकता है ना, टैक्सेशन का भी मल्टीप्लायर पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि आपको एक चीज नहीं सारी चीजें पढ़ के जानी है, और वही हम यहाँ पे करते हैं कि वी आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन आवर कॉन्सेप्ट. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक वॉज ऑफ योर ग्रोथ एंड इट वॉज मॉडरेट काइंड ऑफ टॉपिक. सो आपके स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन जैसे आपसे पूछा हुआ था, आपसे कार्ल मार्क्स का ग्रोथ मॉडल पूछा हुआ था, मैच द फॉलोइंग के काफी क्वेश्चन आए थे. और मैंने जब आपको ग्रोथ का टॉपिक कवर किया था हमने बहुत सारे वहां पे मैच द फॉलोइंग कवर किए थे. वहां पे मैं आपको यही बताती थी कि अगर आप मैच द फॉलोइंग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे यू वुडंट नो सम इकोनॉमिस्ट हिज थ्योरी बट आपको उसके आसपास का पता होगा. सो इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर गेस वर्क. वहां पे जितने भी हैरल्ड सोलो के मैच द फॉलोइंग आए हुए थे हमने ये वाला अपने इन डेप्थ जाके अपनी वीडियोज में कवर किया हुआ है. एक क्वेश्चन आया था आपका लॉरेंस कर्व के भी ऊपर, इट वुड बी लाइक एनवायरमेंटल में भी आता है लॉरेंस कर्व एंड ग्रोथ में भी ये वाला टॉपिक आता है. सो दिस वाज योर ग्रोथ. नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाज एक्चुअली अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, उन्होंने मुझे बताया कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था बिकॉज जो टॉपिक्स आ गए वो थोड़े उनके लिए सरप्राइजिंग थे. जैसे सैमुएल स्टॉपलर थ्योरम जो है, स्टॉपलर थ्योरम, वो कभी भी नहीं पूछा हुआ था ऐसे, सच क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन आया इस बार. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सारी जो ट्रेड थ्योरीज है उनको भी पढ़े. एंड ट्रेड थ्योरीज पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए थे. सो देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन ट्रेड थ्योरी. आपको मैंने ट्रेड थ्योरीज बहुत अच्छे से करवाई हुई है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज इन माय वीडियो, आल्सो इन माय कोर्स आई हैव गिवन अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पार्ट. सो डू चेक दैट आउट. एंड इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में से योर डिफिकल्टी लेवल वॉज मॉडरेट इफ यू हैव रेड द टॉपिक्स. तो आप हमेशा, मैं वही कह रही हूँ कि रिलाई नहीं कीजिए उन कंपाइल्ड बुक्स पे जिसमें पूरा का पूरा एक 10 pages में या 20 pages में यू कवर योर इंटरनेशनल ट्रेड. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी बुक्स लाइक सैल्वाडोर. आई हैव सजेस्टेड यू आर रीडिंग लाइक सैल्वाडोर. इट इज the best book for international trade that you could get out of market. The next book is Paul Krugman. ये दोनों ही book, Paul Krugman and your Salvatore book, both of these books are very nice for international trade. पढ़ के बहुत मजा आएगा. अगर if your microeconomics is strong then international trade is a very interesting topic. Let's discuss the next topic, statistics and econometrics. So, statistics में से heteroscedasticity पे question आया हुआ था. Heteroscedasticity के जो मैंने आपको concepts अपने videos में करवाया, exactly वही question आया था. Next is your correlation graph पे question आया था. ये भी हमने पूरा discuss किया था. जब हमने correlation का graph discuss किया था, then we were not just discussing about correlation. We were also discussing about autocorrelation. We were also discussing about your multicollinearity and your heteroscedasticity. So this is the art. आपको पास्ट ईयर से ये समझना है कि अच्छा ये टॉपिक्स आते हैं या इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपको उसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, याद नहीं करना है कि ये लगा के सारे चले जाता हूं. अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं तो मैं नेक्स्ट भी कर पाऊंगा. दैट वुड बी रॉन्ग. आप ऐसे सिर्फ पुराने पेपर्स की तैयारी करके जा रहे हैं कि अगर मैं सडनली आपको कोई पास्ट ईयर का पेपर दे दूं तो सिर्फ आप वही सॉल्व कर पाएंगे. आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज ऑलवेज अ सरप्राइज फैक्टर फॉर दीज एग्जाम्स, और वो भी आपको समझना जरूरी है. सो अगर इस बार कोरिलेशन का ग्राफ आया है तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ऑटो कोरिलेशन का, आपका हेटरोस्केडास्टिसिटी का, इनके भी ग्राफ्स जो है वो देख के जाने हैं.
आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के भी टॉपिक्स को कवर किया हुआ था और उसके अंदर रिग्रेशन मॉडल को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ था फॉर योर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आप एवरेजेस वाला जो टॉपिक है यू हैव टू डू इट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी उसमें से ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स के पूछ रहे हैं. Let's discuss the next topic. Next topic was on your Indian economics. So Indian economics का जो topic था that was easier to moderate. Just statement type question आया हुआ था जिसमें मुझे disinvestment पे बताया कि बच्चों ने कि disinvestment की कोई आपकी statement दी हुई थी and the answer what they think is Manmohan Singh and Amartya Sen and everybody were in the option. Indian economist ही आपके options में थे और वो जो सारे options थे उनमें से उन्होंने मुझे कि there was something about disinvestment and it seemed like that Manmohan Singh was the right answer and we have to wait for the actual question paper. So this is the thing that you have to do the statement type question. जब Indian economics मैंने आपका cover किया था तब भी मैंने आपको एक बुक करवा के या एक स्टेटमेंट करवा के नहीं मैं रुक गई थी. मैंने वहां पे आपके लिस्ट भी किया था कि ये सारे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी ये बुक्स हैं या इन्होंने इस टॉपिक पे बात की है. वहां से आपको क्या पता चलता है? सो योर गेस वर्क इंक्रीजेस. आपको नहीं याद रहा होगा कि मनमोहन सिंह ने इस साल में क्या स्टेटमेंट दिए, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ इंटरेस्ट रिलेटेड कोई बात है, मनी रिलेटेड कोई बात है, या आपको थोड़ा सा बातों में लगे कि दिस इज समथिंग लाइक कीनीजियन इकोनॉमिक्स, सो यू कुड गेस कि ये हमारे फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी उनकी बात की गई है. सो रंजन की बात की गई है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उसका सामने वाले का दिमाग भी पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑन योर इंडियन इंडिया ट्रेड विद 5 नेशंस. सो इंडिया ट्रेड विद टॉप 5 नेशंस का क्वेश्चन था एंड द करेक्ट आंसर वॉज हांगकॉन्ग. एंड नेक्स्ट वॉज योर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन GDP. सो दिस वॉज समवेयर अराउंड 53%. सो एट करंट प्राइजेस. सो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए सारी चीजें करंट प्राइजेस पे नहीं करके जाएंगे, आप कॉन्स्टेंट प्राइजेस भी पढ़ेंगे और आप क्या पढ़ेंगे, आप मार्केट प्राइजेस पे भी पढ़ेंगे. और आप मार्केट प्राइजेस और आप कांस्टेंट प्राइजेस और करंट प्राइजेस, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ के जाएंगे. बिकॉज नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो आपका एक एग्जामिनर है उसका दिमाग कैसे चल रहा है. सो पास्ट ईयर्स को आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं उठाएंगे कि वो सिर्फ आपके लिए रेफरेंस है, आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और उसके आजू बाजू के भी सारे कॉन्सेप्ट्स. यू हैव टू डू देम टू क्रैक दिस एग्जाम. नेक्स्ट टॉपिक आपका कमेटीज पे टॉपिक आए हुए थे. मैंने कमेटीज के लिए आपकी पूरी लिस्ट भी बनाई थी वीडियो में कि सारी वहां पे जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी मैंने आपके लिए पेन डाउन की थी. तो एग्रीकल्चर से जैसे अजय मेहता कमेटी आया था, अशोक दलवाई कमेटी जो है आपकी दैट वॉज फॉर योर डबलिंग द फार्मर्स इनकम. GST पे भी क्वेश्चन आया हुआ था. उस GST पे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, सो I'll tell you what I think was the question. कि what the student actually told me कि question ये था कि कहाँ से originate हुआ, but I don't know if the question the statement was like that because France was not in the option queue because the GST actually originated in France. So क्वेश्चन शायद ऐसा था कि इंडिया ने कहाँ से लिया है. सो द ऑप्शन शुड बी समथिंग लाइक कनाडा और ब्राजील, की इंडिया के जो डुअल GST सिस्टम है दैट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम कनाडा. इफ इट इज नॉट लाइक दैट एंड द ऑप्शन, सम पीपल वर सेइंग कि जर्मनी भी ऑप्शन में था. सो आई नीड टू सी द करेक्ट आंसर. सो यू शुड नो कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो एक टॉपिक है दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कुड डू इन जस्ट वन डे इन वन सिटिंग. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और आपको इंडियन इको के लिए यू नीड टू रीड मोर ऑफ योर न्यूज़पेपर्स, न्यूज हेडलाइंस, जस्ट बी मोर अवेयर अबाउट इकोनॉमिक्स इन जनरल. सो अगर आपने ऐसा किया हुआ था तो आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो बहुत इजी लगा होगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल द आंसर्स. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट
topic, and the next topic was your environmental economics and your demography. So this is something that we actually discussed, working age population, labor force participation, ये सारे हमने अपने videos में cover किए थे. Birth rate and death rate पे graph आया हुआ था, and you need to tell कि उसके अंदर birth rate उस point पे क्या है और death rate क्या है. So you have to understand कि आपके concepts को grill किया जा रहा है यहाँ पे. तो इतने याद करने वाले क्वेश्चन नहीं थे. मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड देयर वर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा. सो कॉम्प्रिहेंशंस वर इजी. सो पेपर वाज वेरी वेल बैलेंस्ड. कॉन्सेप्ट्स में भी आपके जो वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, मैच द फॉलोइंग काफी थे, तो आपके मेमोरी की भी आप वो टेस्टिंग कर रहे थे. तो इट वाज वेल बैलेंस्ड. बट इट happens कि जब अगर concepts थोड़े से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं तो आपके, क्योंकि most of us do not concentrate much on concepts, but we do it here. But अगर ऐसा होता है, आप concepts थोड़े extra आ जाते हैं, then what do you think कि जो paper है वो थोड़ा difficult है. मैंने आपको हमेशा कहा है concepts पे ध्यान दीजिए. Next topic was your public economics, and public economics was a moderate kind of topic. और moral hazard से मुझे जहां तक अभी तक पता चला है, there was one question on moral hazard. तो ये जो सारे topics हैं, इनको देख के आपको ये realize होना चाहिए कि आपके concepts पे आपको ज्यादा grill कर रहे हैं. So next exam you need to understand कि आपको concepts पे ज्यादा जोर देना है. तो मैंने जो अपना कोर्स भी बनाया है, दैट हैज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड ऑल दीज टॉपिक्स इन डेप्थ. जितने भी आपके ये टॉपिक्स कवर हैं, दे आर ऑलरेडी देयर. सो यू कुड रीच आउट टू अस एट anujindal.in और 9999466225. सो यू कुड रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर. एंड मैंने अपने कोर्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की ऐसी प्रिपरेशन करी है कि वो आप कभी भी आगे नहीं भूलोगे. आपने जब भी हम एमसीक्यू वीडियोस भी लेते हैं, इन इवन इन दैट वीडियो यू कुड अंडरस्टैंड कि मेरा जोर हमेशा आपके कॉन्सेप्ट्स पे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट क्रैक दिस एग्जाम. आई वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो विद योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट. आई होप कि आपकी आप ये एग्जाम क्रैक करने वाले होंगे. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई इस पर्टिकुलर एग्जाम में. व्हाट डू यू थिंक कि और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस आउट हो गए, या आप कितना स्कोर कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोर दैट यू वुड गेट. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज देयर ओनली. सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. थैंक यू.